नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट आर्टिकल ड्रोन्स की रेगुलेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ड्रोन्स की देखो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, पावर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इवन क्राउड मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। हमारे देश में वेरियस स्टेट डिपार्टमेंट्स और पुलिस फोर्सेज ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए। सिक्योरिटी सिचुएशन में लोगों पर नज़र रखने के लिए, एरियल फोटोग्राफी के लिए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में फसलें खराब हुई हैं सर्वे करने के लिए, और इवन ट्रांसमिशन पावर लाइंस को भी इंस्पेक्ट करने के लिए। इवन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है पैकेज डिलीवरी के लिए, फोटोग्राफी के लिए, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं फॉर एग्जाम्पल पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, उनको मॉनिटर करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो अगर UPSC ड्रोन्स की एप्लीकेशन के बारे में पूछती हैं। वैसे यहाँ पर लिस्ट है ड्रोन्स के 20 कॉमर्शियल यूजेस, इन पर भी आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में इन पॉइंट्स को आप लिख सको। इतने ज़्यादा यूजेस होने के बावजूद हमारे देश में कोई पॉलिसी नहीं है ड्रोन्स को रेगुलेट करने के लिए। अभी तक ड्रोन्स को उड़ाना हमारे देश में इलीगल है। देखो वो बात अलग है, पिछले महीने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया था, लेकिन अभी वो सिर्फ ड्राफ्ट है। वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी 1 दिसंबर से। तो देखो पिछले महीने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा ड्रोन्स को रेगुलेट करने के लिए जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया है उसके बारे में हम कुछ मुख्य पॉइंट्स को जानते हैं। उस ड्राफ्ट के अनुसार ड्रोन्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नैनो, माइक्रो, मिनी, स्मॉल, लार्ज, वेट के हिसाब से। ड्रोन्स को देखो 400 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा सकता। मैक्सिमम हाइट जो है जिस तक ड्रोन को उड़ाया जा सकता है वो है 400 फीट। और ड्रोन जो उड़ाया जा रहा है वो लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, मतलब जमीन से दिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रोन का और ड्रोन उड़ाने वाले का यानी ड्रोन ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ड्रोन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। और देखो जो पर्सन ड्रोन को उड़ाएगा उसको ट्रेनिंग लेनी आवश्यक होगी DGCA से। DGCA जब ट्रेनिंग देगी ड्रोन ऑपरेटर को तभी ड्रोन ऑपरेटर को लाइसेंस मिलेगा। वैसे और भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं ड्रोन ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि 18 साल की उम्र जरूर होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए ड्रोन ऑपरेटर, और इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। इसका मतलब देखो ये हुआ कि फॉरेन सिटीजन्स हमारे देश में आके ड्रोन को ऑपरेट नहीं कर सकते। और इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट, दिल्ली में विजय चौक जिसके पास प्रेसिडेंट ऑफिस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जहां सारे मिनिस्टर्स और इवन प्रधानमंत्री बैठते हैं, स्टेट कैपिटल्स में स्टेट सेक्रेटरिएट, मिलिट्री लोकेशंस, यहां पर ड्रोन को नहीं उड़ाया जा सकता। नेक्स्ट बात देखो, रूल्स में यह भी कहा गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स का होना जरूरी है ड्रोन ने, जैसे कि ड्रोन ने कहां कहां उड़ान भरी है, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए डेटा लॉगिंग सिस्टम होना चाहिए, GPS होना चाहिए, एंटी कोलिजन सिस्टम होना चाहिए। इवन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी स्टैंडर्ड्स क्या किए गए हैं इन रूल्स में। और ये रूल्स जैसा मैंने आपको बताया 1 दिसंबर से एप्लीकेबल होंगे। और 1 दिसंबर के बाद सरकार के द्वारा एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की सहायता से ड्रोन को उड़ाया जा सकेगा। फायदा देखो इस प्लेटफॉर्म का ये होगा कि पुलिस नज़र रख सकेगी इस प्लेटफॉर्म की सहायता से कि ऑपरेटर जो है वो कहाँ कहाँ पे अपना ड्रोन जो है वो ले जा रहा है। जैसे ही रूल्स वायलेट होंगे तो पुलिस अलर्ट हो जाएगी और पुलिस के द्वारा उस पर्सन को बताया जा सकेगा कि आपने कानून के विपरीत जाके काम किया है। रूल्स में ये भी बताया गया है कि अगर कोई पर्सन रूल्स को वायलेट करता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। यहाँ पर सब पेनल्टीज दी हुई हैं, जैसे अगर रूल्स को वायलेट किया जाता है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मिलेगा ड्रोन के लिए उसे कैंसिल आउट किया जा सकता है,
उसे सस्पेंड किया जा सकता है और ड्रोन ऑपरेटर पर कार्रवाई हो सकती है। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अंतर्गत पेनल्टीज आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 287, 336, 337, 338 के तहत कार्रवाई हो सकती है। रूल्स वैसे और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, फॉर एग्जांपल एनटीआरओ या फिर और कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ड्रोन को ऑपरेट करती है तो उनको अपने ड्रोन को रजिस्टर करवाने की आवश्यकता नहीं है। इवन नैनो ड्रोन्स, वो ड्रोन्स जिनका वेट जो है वो 500 ग्राम से कम है, वो ड्रोन्स भी 50 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ाए जा सकते हैं और इसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी के क्रिटिसिज्म्स को डिस्कस करते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु के द्वारा कहा गया कि देखो जल्द ही हमारी ड्रोन मार्केट $1 ट्रिलियन की होगी और हमारे देश में सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखे गए हैं। राइटर का कहना है, देखो किस प्रकार से हमारी मार्केट $1 ट्रिलियन की होगी, इतने सख्त प्रोविजंस हैं इस ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी में, कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, परमिट लेना ज़रूरी है, इवन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना ज़रूरी है, पुलिस को बताना ज़रूरी है, 7 कॉपीज देनी ज़रूरी है, रेड टेपिज्म में फंस के रह जाएगा ड्रोन्स का कॉमर्शियल यूज। कोई पर्सन सोचेगा या फिर कोई कंपनी सोचेगी, देखो इतने सख्त प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस को फॉलो करने से अच्छा है ड्रोन को यूज ना ही करें। सरकार को ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए अपनी ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी को डिक्लेयर करना चाहिए था। अभी भी समय है, 1 दिसंबर से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, सरकार इस पॉलिसी में आवश्यक चेंजेस लेके आए। देखो सरकार के द्वारा जो ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी रिलीज की गई उसमें एक बात यह भी बोली गई जो हमने पहले नहीं डिस्कस की, कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहां पे ये सब रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, टेस्टिंग के लिए या फिर एप्लीकेशंस को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऐसी जगहों पर ड्रोन्स उड़ाए जा सकेंगे। लेकिन देखो राइटर के द्वारा कहा जाता है, ऐसे एरियाज जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर इन प्रोविजंस को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, वो एरियाज शहर से बहुत दूर हैं, जैसे बेंगलोर टेक्नोलॉजी हब है, बेंगलोर से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग कुर्ग और गनीमंगला विलेज को आइडेंटिफाई किया गया है, वहां पे इन प्रोविजंस को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, ड्रोन्स को डिमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है या फिर टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा सकता है। इतनी दूर कौन जाएगा टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने, ये जगह भी नज़दीक होनी चाहिए थी। अगर देखो इंडिया को चाइना और यूएसए का मुकाबला करना है, 2020 तक चाइना की जो ड्रोन मार्केट है वो $9 बिलियन की हो जाएगी और यूएसए की ड्रोन मार्केट 2023 तक $2 बिलियन की हो जाएगी। अगर इंडिया को यूएसए और चाइना का मुकाबला करना है तो इस ड्रोन पॉलिसी को लिबरल बनाना होगा। देखो होता क्या है, जब इतने सारे सख्त प्रोविजंस होते हैं या फिर इतना सारा पेपर वर्क फॉलो करना होता है किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए तो एम्बिग्यूटी भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। मान लीजिए कोई कंपनी है ड्रोन का इस्तेमाल करती है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, एम्बिग्यूटी है, इसलिए लोकल पुलिसमैन किसी प्रोविजन को लेके केस बुक कर लेते हैं उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, आपने ये पेपर वर्क पूरा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। तो इससे ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट प्रभावित होता है बल्कि एक डेटरेंस भी क्रिएट होता है, दूसरी कंपनीज को लगता है यार किसी पछेड़े में पड़े, इससे अच्छा तो यही है ड्रोन्स का इस्तेमाल ही ना करें कॉमर्शियल पर्पज के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, इंडिया नीड्स टू एड्रेस द लैकुनास इन ड्रोन रेगुलेशन 1.0। देखो ड्रोन रेगुलेशंस 1.0 यानी जो ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी के अंदर कमियां हैं उनको एड्रेस करना ज़रूरी है अगर इंडिया अपनी ड्रोन मार्केट का पोटेंशियल अचीव करना चाहता है। इस स्टेटमेंट को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है 250 वर्ड्स में, चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।